माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जोरदार एक बार तालियों के साथ में स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कल मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मैं अवध क्षेत्र के अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहा हूं, उनके साथ मैं संवाद करूंगा। तो मैं जरा कुछ कार्यकर्ताओं से, हर जिले के एक दो कार्यकर्ताओं से जरा मैं बात करूं। मैंने उनका नंबर मंगवाया और बहनों भाइयों, कुछ कार्यकर्ताओं से मैंने बात की। उदित जी, जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं के अंदर देखा है, बूथ के कार्यकर्ताओं के अंदर, मैंने तो जायजा लिया। यदि किसी बर्तन में चावल पकड़ा हो तो पूरा चावल मलकर देखने की जरूरत नहीं होती है, दो चार दस चावल ही उठाकर आप अंदाज लगा सकते हैं चावल पक गया कि नहीं पक गया। मैंने भी अंदाज लगा लिया, मैंने अंदाज लगा लिया कि अब उत्तर प्रदेश में भी चावल पक चुका है। अब दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। के साथ कह सकता हूं आपके जिले में भी बहुत सारे लोगों को पक्के मकान मिले होंगे, और मैं इस विश्वास के साथ कहकर जा रहा हूं कि 2024 तक इस हिंदुस्तान का एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। आज 37 या 40 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं अथवा इस समय निर्माणाधीन है, और आज आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं एक भी जिला इस उत्तर प्रदेश का शेष नहीं बचेगा बहनों भाइयों जहां पर कि एक मेडिकल कॉलेज बनकर न तैयार हो जाए, एक जिला भी शेष नहीं बचेगा। मैं तो कह सकता हूं सपा के सरकार के समय भी फला मंत्री पर आरोप लग गए, किसी पर भ्रष्टाचार के, किसी पर बलात्कार के, किसी खुलेआम पैसा लेने के। लेकिन मैं यहां ही नहीं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। 7.5 वर्षों से दिल्ली में हम लोग सरकार चला रहे हैं, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी बहनों भाइयों। कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह दे किसी मंत्री के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है, कोई तो उंगली उठा के कह दे।